उसका नाम है, आप क्या बताना चाहेंगे, ये रेजिग्नेशन क्यों है और आगे क्या इकदाम रहेंगे? जहाँ ये हमारा इंटरनल मसला है पार्टी का, हमने कोई कांग्रेस से रेजिग्नेशन नहीं दिया है जी, जी। हमने पोस्ट से दिया है क्योंकि कठुआ के, उधमपुर के, श्रीनगर के, जम्मू के, इसलिए कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाई जाए जी। और कोई दूसरा मकसद नहीं है। आपने नहीं देखा 1,00,000 लोगों का जलसा आज आज़ाद साहब ने ठाठी में किया, तो यहाँ सोनिया जी के नारे लगे, यहाँ राहुल जी के नारे लगे, यहाँ आज़ाद साहब के नारे लगे, यहाँ इंदिरा जी को श्रद्धांजलि पेश की गई, यहाँ उसको जय जयकार किया गया, कांग्रेस की पूरी जो आपत्तियाँ थी वो जितनी खूबियाँ थी वो पेश की। परिवार की तो ठीक है, गांधी जितने भी परिवार हैं उनका तो ठीक है, लेकिन जय मीर साहब के बारे में क्या कहेंगे? जय मीर हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को बदला जाए, वो हाई कमांड तक है, हमने गुजारिश उनके दफ्तर में भेज दी, इंटरनल मसला है कोई। अगर ऐसा कोई आपकी जो गुजारिश नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? ऐसी कौन सी बात है, परिवार में चलते हैं, अगर नहीं माने क्यों नहीं मानेंगे, सवाल पैदा नहीं होता। हमने कोई कांग्रेस से थोड़ा इस्तीफा दिया वो, क्योंकि ये रूल जो है 3 साल के लिए प्रेजिडेंट होता है, उनको 7 साल हुए और इससे कबल 16 साल रहे, उनको 11 साल रहे। अब हम चाहते हैं कि इसमें चेंज आनी चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे। हमारा दूसरा मुद्दा है सर खिताई चुनाव के बारे में, खिताई चुनाव को डिविजनल स्टेटस जो अभी हर जगह बात देखिए, जब मैं एमएलए था मैंने कहा था यहाँ हिल डेवलपमेंट कौंसिल बनाओ, चुनाव वेदी को भी बनाओ, पीर पंजाल को भी बनाओ, अगर वो उसके अलावा यहाँ डिवीजन दे दो चुनाव वेली को भी पीर पंजाब, मगर पहले हमें स्टेट चाहिए, स्टेट फूड हमें चाहिए, जो आज़ाद साहब ने आज बोला कि 370 और 35 जाने के बाद हमारा ये यूटी बना हमको स्टेट फूड दिया जाए, जॉब की गारंटी दी जाए, लैंड की गारंटी दी जाए। सर स्टेट के बाद क्या डिवीजन, स्टेट के बाद इलेक्शन करें फिर देखते हैं जिसकी सरकार आएगी। जे जे कारो ने मुहिम उठाई है डिविजनल स्टेटस की, आपका क्या स्टेट? बिल्कुल ठीक है, सब मुहिम है, सबसे पहले उन्होंने मुहिम उठाई है स्टेट फूड वापस देने की, स्टेट रूल वापस देने की, स्टेट रूल वापस दे, इलेक्शन कराएं, फिर सब चीजें हो सकती है। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की, जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आएं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे जेकेपी, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी जम्मू। जेके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 705-109-1811।